2017 में मुंबई ब्लास्ट के आरोपी दाऊद इब्राहिम के साथी फारूक टकला को 19 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। टकला पर 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है। मोहम्मद फारूक यासीन मंसूर और फारूक टकला को सीबीआई ने मुंबई की टाडा अदालत में पेश किया। Today we had sought for the police custody, CBI custody of 14 days. Court has granted us the custody of 10 days. 12 मार्च 1993 को मुंबई सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई। इसी मामले में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी, जबकि दाऊद इब्राहिम 1993 से फरार है।